रामधुन का प्रभाव बताते हुए गांधी जी ने नोआखाली में रामधुन के प्रयोग का अपना अनुभव 13 जून 1947 को प्रार्थना सभा के बाद कुछ इस तरह बताया। वहां तो लोग ऐसे डर गए थे, क्योंकि लोग डरपोक रहते हैं, तो वो तो रामधुन तो चला ही नहीं सकते, और राम और रहीम वो नाम से बस वो घूमते घूमते चलना, खेतों में से निकलना, कोई खेत मुसलमानों का रहेगा, कोई हिंदू का रहेगा, काफी तो मुसलमानों का ही रह सकता है, क्योंकि मुसलमानों की तादाद वहाँ बड़ी है। तो वो यात्रा करते करते ये नियम कर रखा था कि बस रामधुन लगाते लगाते जाना, उससे मुसलमानों को भी लगे कि ये तो कहते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, और हिंदू भी समझ लें। तो पीछे वहाँ ये कोई हर जगह पे होता था ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ तो पीछे काफ़ी हिंदू पड़े हैं और मुसलमान भी पड़े हैं, तो ऐसा बना दिया कि ये पीछे भजमन प्यारे राम रहीम कृष्ण करीम। हमारे कम नसीब से मौका अभी तो ये आ गया है ना कि राम ईश्वर और रहीम उस बगल, ईश्वर यहाँ और वहाँ भी ईश्वर, लेकिन एक ईश्वर का नाम रहीम, एक ईश्वर का नाम राम, और दोनों अलग अलग हो गए, ये तो पागलपन सा लगता है ना।